तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की खबर पर सियासत कैसे हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा जांच की रिपोर्ट सामने जरूर रखें। दरअसल बीजेपी लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करती है, यह गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। बीजेपी ने कहा धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। तो तिरुपति के प्रसाद में मिलावट की खबर और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में आर पार। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। सारा खुलासा करते, नाम बताते, जांच का आदेश उसी पहले करते, जांच की रिपोर्ट सामने लाते, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। पिछली सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है। मामला तो बहुत गंभीर है अगर ऐसा है। ये कैसे पता चला, क्या पता चला, बाई चांस हुआ, क्या हुआ, ये तो मैं जानकारी नहीं जानता हूँ। सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत देश में और विदेश में रहने वाली जो ताकतें हैं जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को ना बीफ से दिलचस्पी है ना धर्म से दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करती है। प्रसाद का लड्डू, आप देखिए सियासत का लड्डू कैसे बनते जा रहा है। तिरुपति एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ वहां से मौजूद है। यह भी कम दिलचस्प नहीं आशीष कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अखिलेश देखिए तिरुमला तिरुपति देवस्थान विश्व में अगर बात करें तो एक सबसे धनाढ्य हिंदू मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर चढ़ावा जो है वो हजारों करोड़ में जाता है, इसकी संपत्ति हजारों करोड़ में है। इस मंदिर के पास इतना सोना है कि जब मुसीबत आती है तो कई सरकारें इनकी तरफ देखती हैं कि ये अपने खजाने से सोना हमें दे। पंजाब नेशनल बैंक में एक बहुत बड़ा सोने का जखीरा इस मंदिर का जमा है। तो जाहिर तौर पे ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों करोड़ों के संख्या में श्रद्धालु इससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से क्या, देश के कोने कोने से हिंदू मतावलंबी जो हैं यहाँ इस मंदिर में आते हैं। खास बात ये है, इस मंदिर की एक और परंपरा मैं बताऊँ। इस मंदिर में अगर आपको दर्शन करना है तो आपको एक सर्टिफिकेट पर साइन करना होता है कि आप भगवान वेंकटेश्वर, भगवान बालाजी पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं। उसकी सिग्नेचर करने के बाद ही किसी कोई अन्य धर्म का मतावलंबी इस मंदिर में पूजा अर्चना या दर्शन कर सकता है। लाखों की तादाद में क्षण भर की झलक के लिए, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के झलक के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ऐसे में जब प्रसाद जो काफ़ी सेक्रेट है, काफ़ी उसके रेसिपी को छुपा कर रखा गया, काफ़ी पुरानी रेसिपी मानी जाती है, कोई नहीं जानता कि कैसे बनाया जाता है, कि कौन कौन से इसमें पदार्थ यूज़ होते हैं, क्वालिटी प्रोक्योरमेंट इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की होती है। ऐसे में अगर ये विवाद है वो लेने के लिए भी वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, बहुत भीड़ रहती है जब वहां पर लोग दर्शन करने के बाद आते हैं और लड्डू वहां से खरीदते भी हैं। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर संत समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है, इस पर जितना ही दंड दिया जाए वो कम ही है। आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।